दिस वीडियो इज गोना बी अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू इंडियन फुटबॉल फैंस, हम और आप। हमने वीडियो कुछ ऐसे बहुत स्क्रिप्ट करके नहीं बनाया है, ना फिर बहुत ज्यादा ऐसे कोई रिसर्च की है कि भाई इसमें ये बात करेंगे, ये बात करेंगे। बेसिकली एक जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कल जो परफॉर्मेंस देखी, ऑल्दो वी आर नॉट वेरी बिग मोहन बगान फैंस या मरीनर्स नहीं है, लेकिन एक इंडिया का क्लब खेल रहा था ऑन अ कॉन्टिनेंटल स्टेज भाई, तो ऑब्वियसली पूरी बैकिंग थी। लेकिन कल जो परफॉर्मेंस हुई, हमें लगता है कि ये जो ISL ने इतना प्रोग्रेस किया इंडियन फुटबॉल में, एक्चुअली हम कहाँ स्टैंड करते हैं इन द कॉन्टिनेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, और इंडियन फुटबॉल एज अ नेशन भाई किस डायरेक्शन में जा रहा है टू बी रियली ऑनेस्ट। क्योंकि उज़्बेकिस्तान की रैंकिंग देखो तो 85 है, हम 107 है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दो नीचे स्लाइड कर गए हैं। तो ऐसे जमीन आसमान का अंतर नहीं, ऐसा नहीं वो ईरान की टीम थी जिसकी रैंक 22 है, या जापान की टीम थी, जापान से तो ऐसे हम खेल भी नहीं सकते, दूसरे ग्रुप में होते हैं। उज़्बेकिस्तान की टीम थी भाई जो 85th रैंक है, इट वॉज मैन अगेंस्ट बॉयज। तो एक छोटा सा एक रिव्यू तो नहीं होगा क्योंकि रियली डोंट वांट टू रिव्यू द मैच, लेकिन कॉन्वर्सेशन होगी कि कहाँ इंडियन फुटबॉल हेड कर रहा है और क्या फ्यूचर है भाई, और भाई क्या इस डिफीट से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी हार से सीखोगे नहीं तो आप लगातार हारते रहोगे भाई। आप लोगों का हमारा मूड अभी यू सेंस कर पा रहे होगे आप जस्ट सीइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द वीडियो, एंड कल लाइव स्ट्रीम में जितने लोग थे उनको भी पता होगा कि वी वर निट पिकिंग द स्मॉल पॉइंट्स, कि हम कितनी बार, तो हमने आई रिमेंबर आंसरिंग द क्वेश्चन कि यार FC गोवा होती तो क्या होता, बेंगलुरु FC होती तो क्या होता, मुंबई सिटी होती तो क्या होता। अब मुंबई सिटी अगले साल चैंपियंस लीग खेलेगी तो उनसे भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एंड FC गोवा की हम तारीफ कर रहे थे काफी, क्योंकि FC गोवा का जो परफॉर्मेंस थी AFC चैंपियंस लीग में, विच इज इवन अ टफर कॉम्पिटिशन, इट वॉज एक्चुअली अंडर रेटेड कंसिडरिंग की कल का जो एक तरीके से ह्यूमिलिएशन ही था, आई थिंक इवन टू पुट इट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली ह्यूमिलिएशन था। तो हमारा मूड काफी जल्दी डैम्पन हो गया था, 2-3 मिनट में हम गोल खा गए थे अपना पहला, वेरी अनफॉर्चुनेट गोल टू कंसीड, बट उसके बाद से दिख रहा था कि फ्रॉम द फर्स्ट गोल ऑनवर्ड्स वी वर कम्प्लीटली आउट ऑफ इट, लग नहीं रहा था, देयर वाज नो कमबैक इन साइट। मेंटली देखो आप, एवरी प्लेयर लुक्ड लाइक यू नो कि वो पहली हार मान चुके हैं और उनका बस चलता तो अभी फील्ड से छोड़ के चले जाए। एंड देन 20वें मिनट तक 3-0 हो चुका था, एंड वी हैड एक्सेप्टेड कि यार हाँ अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ वी विल लूज टुडे, बट इट वाज जस्ट लाइक कि रिस्पेक्टफुली हारे, डोंट लूज बाय अ वेरी हाई मार्जिन, एंड वेरी इजिली अगर यार डबल फिगर्स जा सकता था, आई एम नॉट ओवरस्टेटिंग इट, देयर वर लॉट ऑफ चांसेस व्हिच दे फ्लफ देयर लाइंस, अगर अच्छे से वेल टेकन चांसेस होते तो दे कुड हैव इजिली स्कोर्ड। उनका 19 साल का प्लेयर यार नॉर्चेव, उनका स्ट्राइकर है, अपकमिंग स्ट्राइकर, ओके गुड स्ट्राइकर, उसने ही स्कोर्ड अ हैट्रिक विदाउट एक्चुअली पुटिंग एनी एफर्ट इन। कायदे में देखो आई डिडंट रियली सी हिम यू नो कि पुटिंग इन द हार्ड यार्ड्स, ऐसे बहुत मेहनत कर रहा था कि यार अरे हमें लग रहा था यार यू वी आर मिसिंग आउट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड 6-0 दे डिड डिजर्व इट, बट इट्स मोर डैमिंग कि हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है आपकी फुटबॉल से, दिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी लीग कितनी डेवलप्ड है, आप ये सब सारे फैक्टर्स छोड़ दो, कितने पैसे लग रहे, कितने पैसे आपने स्क्वाड में लगाए, कौन आपका मैनेजर है। बेसिक एग्जाम्पल भी दो यार, पार्क पे भी आप खेल रहे होते हो अपने दोस्तों के साथ, तो टीम बटती है, तो आपको पता है यार मैं डिफेंस खेलूंगा, मैं अटैक खेलूंगा, मैं मिड खेलूंगा, तो आप उस एरिया में रहते हो, चाहे आपकी एबिलिटी आप सारा पूरा स्टेप साइड कर दो, इसलिए मैंने पार्क का एग्जाम्पल दिया। ये होता है कि हाँ मैं डिफेंस में हूँ तो मेरा ये काम है बॉल क्लियर करनी, आई हैव टू मेक श्योर आई डोंट कंसीड अ गोल, मिड में पास देना होता है, अटैक में गोल मारना होता है, बट स्टिल आई वॉज सीइंग कि मतलब यार पूरे टाइम ऐसा लग रहा था हमारे को, जैसे मजाक में नहीं होते, जैसे आप कभी कभार जैसे स्कूल की टीम होती है और कुछ कुछ बच्चे आते हैं हमारे साथ, बड़े भैया के साथ खेलना, आपके साथ खेलना, खेलने आ जाते हैं, उनके आप ऐसे मजे में लेते रहते हो, ऐसा लग रहा था पूरे टाइम कि यार उनने बॉल ली, वी वर चेसिंग शैडोज द इंटायर गेम, ऐसा लग नहीं रहा था कभी भी कि यार 5 मिनट या 2 मिनट का भी स्पेल है जिसमें यार ठीक है हमारे पास पोजेशन है, हम कुछ पॉजिटिव कर पाते हैं, बारिंग आई थिंक व्हेन लिस्टन केम ऑन, लिस्टन के एक दो मतलब हाफ चांसेस भी, क्या क्वार्टर चांसेस कह लो यार जो भी थे, जिसमें लग रहा था कि यार उसने कुछ करा था, बट इट कम्प्लीटली मतलब डिमोरलाइजिंग तो था, कंसिडरिंग यार कि इतना पैसा खर्चा ATK मोहन बगान ने, दे डिड लुक लाइक दे हैव अ मैनेजर हु हैज बीन देयर फॉर सच अ लॉन्ग, मतलब फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, ATK था जब मर्जर हुआ उसके बाद से भी ही इज बीन देयर मैनेजर, इट्स बीन मोर देन 3-4 years नाउ, एंड सम ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन देयर एक्सपीरियंस्ड इंडियन प्लेयर्स यार, शुभाशीष बोस, मनवीर सिंह, हमारा प्रीतम कोटाल भी था, नोबडी सीम्ड लाइक यार कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था देख के कि यार एक अपने साथ एक साथ खेले हैं कभी, ऐसा लग रहा था रैंडमली आपने लोगों को उठा लिया कहीं से, बोला चलो आज मैच खेलना तुम्हारे को जाके उज़्बेकिस्तान में, देयर वाज नो कोहिजन, देयर वाज नो इंटेंट कम्प्लीटली, मतलब वी आर लॉस्ट फॉर वर्ड्स, ऐसा आपको लग रहा होगा कि आई एम जस्ट सेइंग द वन सेम थिंग्स वन अगेन एंड अगेन, बट इट वाज रियली डिमोरलाइजिंग यार। अगर वैसे इंडियन प्लेयर्स अगर फोकस करो, क्योंकि मुझे रॉय कृष्ण की परफॉर्मेंस से फर्क नहीं पड़ता, मुझे डेविड विलियम्स की परफॉर्मेंस से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई ऑल केयर ओनली केयर अबाउट द इंडियन नेशनल टीम भाई, और इंडियन नेशनल टीम के बड़े बड़े नाम थे इस टीम में भाई, आशुतोष मेहता हैज बीन अ पार्ट ऑफ द नेशनल कैंप ऑन मेनी ओकेजन, शुभाशीष बोस तो जैसे कहा ही हमेशा से रहता है, प्रीतम कोटाला हमेशा रहता है,
हमारे विंगर क्या नाम है उसका यार, मनवीर सिंह हमेशा से रहता है, अमिंदर सिंह हमेशा पार्ट रहता है, लिस्टन भी अभी नया नया, ऑल्दो ही मेरे ख्याल से कुछ इज्जत बचाने वाली परफॉर्मेंस थी अलॉन्ग विद कॉको। तो भाई ये सारे इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, इंडियन नेशनल टीम जिससे आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम एशियन कप में अच्छा करेंगे, हम मे बी वंस इन अ ब्लू मून जब 110 साल बाद भाई हम कभी वर्ल्ड कप लिए क्वालिफाई करेंगे। इन प्लेयर से तो मैं बता रहा हूँ, इन प्लेयर से आप यार एएफसी कप के लिए क्वालिफाई कर देना तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। जो उनकी कल परफॉर्मेंस थी भाई, लैक ऑफ लीडरशिप, एक गोल खाते ही ऐसे मुंडे गिर गए थे नीचे सबके, जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार। उन्होंने 1-0 पे ही हार मान ली थी, एंड दैट टू इवन अ ओन गोल। लैक ऑफ लीडर्स इतनी ज्यादा हमारी टीम में, मतलब अगर वंस छेत्री सर गोज़ अप, मुझे नहीं पता इस टीम को कौन लीड करने वाला। मे बी संदेश पाजी हो सकते हैं, इज डेफिनेटली अ लीडर, ही कैन डू दैट। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। उसके अलावा देखो तो जब अभी लास्ट ये जो हमारा हमने ग्रुप स्टेज खत्म किए थे, हमारे जो प्लेयर थे वो हॉलीडे पे चले गए भाई, लिटरली ऑल दीज प्लेयर्स वेंट ऑन हॉलीडे। उसके बाद वो दुबई गए कैंप करने, वहाँ उन्होंने कुछ मैचेस खेले और फिर ऑब्वियसली दे प्लेड इन द एएफसी कप, वो कल जो आपने देखा। उसके बाद हबास कहता है कि भाई हम जो हमारी जो कलकत्ता में लीग होती है उसमें मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि आई हैव टू फोकस ऑन एएफसी कप में, डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन नहीं खेल सकता। तो ये फोकस था आपके एएफसी कप पे, मतलब क्या ही बोलूं यार, शर्म आ रही थी मुझे मैच देखते। और लिटरली हमारी स्ट्रीम में आके भाई उज़्बेकिस्तान से लोग आके हमें कह सकते हो इतने चढ़ा रहे थे, और भाई मैं परफॉर्मेंस नहीं ऐसे चढ़ाने वाली, कोई भी मजा लेगा ही लेगा यार। 6-0 5-0 इन द फर्स्ट हाफ, मेरे हिसाब से मैं गलत नहीं हुई, पेनल्टी मिस भी था उसमें, तो मतलब 7-8 तो आराम से पड़ सकते थे, बेयर मिनिमम 7-8 खा सकते थे भाई हम। और 2011 में जब डेम्पो गई थी वो 9-0 हारी थी, और अभी कोलकाता भाई सॉरी मोहन बगान जो एक बहुत ही हाई स्टैंडिंग क्लब है, जो सेकंड आया है, जिसकी इतनी तगड़ी ट्रांसफर विंडो थी, जिसको सब लोग कह रहे हैं अगले सीजन ये टीम आईएसएल जीतेगी, उसकी औकात देखी आपने कॉन्टिनेंटल स्टेज में, और इन और ऐसे कॉन्टिनेंटल स्टेज पे जो प्रीमियर कॉम्पिटिशन भी नहीं है कॉन्टिनेंट का, दिस इज द सेकेंड कॉम्पिटिशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो एक रियलिटी चेक मिला है, एक वे फॉरवर्ड। तो चलो किसी और वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग का क्या ख्याल है इस पर, ये जानना चाह रहे थे तो आप लोग बताने यार कल की परफॉर्मेंस पे। प्लेयर्स को मैं सिंगल आउट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो इंडियन टीम के प्लेयर्स है ना, वी एक्सपेक्ट अ लिटिल मोर फ्रॉम यू गाइस। लिटरली मतलब इतनी खराब परफॉर्मेंस है, हमें इंडियन फ्यूचर, मुझे मोहन बगान की इतनी चिंता नहीं, लेकिन मुझे इंडियन नेशनल टीम की चिंता है, क्योंकि हमारा फ्यूचर बहुत ब्लीक दिख रहा है इन प्लेयर्स के साथ। क्योंकि अगर अभी हम एएफसी कप खेलने जाते हैं और वहाँ पे भी भाई टीम मिलेंगी, अच्छी अच्छी ही टीम मिलेंगी हमें, तो अगर वहाँ पे 1-0, 2-0 डाउन हो जाते हैं और इस मोरल के साथ खेलेंगे तो दैट ह्यूमिलेशन विल बी फॉर अ नेशन भाई। और एक पॉइंट और ऐड करना चाहता बिफोर वी कह सकते हो रैप अप, कि कल भाई अगर मान लो मैं किसी से कहता है यार मैच देखो, एटी के मोहन बगान का मैच है, जो बंदा यूरोपियन फुटबॉल देखता है, इंडियन फुटबॉल नहीं देखता है, एटी के मोहन बगान का मैच एएफसी कप में खेल ली, कॉन्टिनेंटल स्टेज जीत गए तो फाइनल में पहुंच सकते हैं, इंटर जोन फाइनल में, अगर कोई बंदा मैच देख रहा होगा और ऐसी परफॉर्मेंस देखेगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा भाई, मैं उसको दोबारा बोल भी नहीं पाऊंगा कि तुम भाई मैच देखो, हमारी इंडिया की टीम बहुत अच्छा करी कॉन्टिनेंटल स्टेज पे, और इंडियन नेशनल टीम इज गोइंग प्लेसेस। तो यार यही एक पॉइंट ऑफ व्यू था व्हिच वी वांटेड टू पुट अक्रॉस। तो बताना यार आप लोगों का क्या ख्याल है कल की परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली वुड नॉट बी पॉजिटिव, क्या चेंजेस करने चाहिए, वे फॉरवर्ड पे कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बॉयज टेक केयर, लाइक कर देना वीडियो, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड वी कैच इन द नेक्स्ट वन।